हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम कोर डेटा का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो पीसीएस हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेस। ठीक है, तो मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल, वो हमने पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में। गिल्स हमने अच्छे से पढ़ लिया, पूरा एक्सप्लेन कर लिया कि कैसे कैसे मैकेनिज्म क्या है। अब इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, मतलब फिश जो होती है वो गिल के अलावा क्या क्या ऑर्गन्स यूज़ कर सकती है रेस्पिरेशन के लिए, तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमने मैकेनिज्म वगैरह सब चीज़ देखा था, तो यहाँ पर हम मैकेनिज्म किसी का भी नहीं देखेंगे। बस यहाँ पर हमारा मेन फोकस किस पे होगा कि कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन सी फिशेज होती हैं वो जिनमें ये ऑर्गन्स होते हैं, उसके एग्जांपल्स और एक दो डायग्राम। ठीक है, सब में डायग्राम्स नहीं है, बट शुरू वालों में तो मतलब मैं आपको वैसे डायग्राम दिखा दूंगा कि किस टाइप का फिश दिखती है, लेकिन जो बाद वाले एग्जांपल्स है उसमें मैं आपको डिटेल डायग्राम बनानी है आपको कॉपी में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर बनानी है, कहाँ पर नहीं बनानी है। ठीक है, हमारा आंसर राइटिंग और गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पर मंथ के लिए अमाउंट दिया हुआ है, 4 मंथ के लिए दिया हुआ है और 1 ईयर के लिए दिया हुआ है। तो 1 ईयर वाले में फ़ायदा, जैसे नए बच्चे हैं, ठीक है, जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो नए वाले बच्चों को क्या है कि गाइडेंस की अगर ज़रूरत रहती है जीएस में, तो जीएस की गाइडेंस भी मैं आपको इस 1 ईयर वाले प्लान में दे दूंगा। बाकी नॉर्मल जो सवाल जवाब आप करते हैं वो तो मैं जवाब देता ही हूँ, बट एक प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर शेड्यूल के साथ अगर आपको चाहिए तो वो 1 ईयर वाले में मैं आपको ऑप्शनल प्लस जीएस दोनों की गाइडेंस दूंगा। और आंसर राइटिंग जो है वो आपकी इवैल्यूएशन होगा, जो भी आप प्लान लेंगे उस प्लान के हिसाब से आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन होगा ऑप्शनल का। ठीक है, तो ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि जीएस तो आप इधर उधर से पढ़ते ही रहोगे, ऑप्शनल पे ज़्यादा मेरा फोकस अभी है। आगे टाइम मिला तो मैं जीएस के बारे में भी बता दूंगा, बट अभी ऑप्शनल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी डिटेल्स भेजनी है, नाम, एज और कौन से ईयर में आप अपीयर हो रहे हो और कितने अटैम्प्ट आप ले चुके हो वो, और जो आप जो भी आप प्लान चूज़ करेंगे उसके स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेजेंगे इस ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो ईमेल आईडी आप नोट कर लो, जब आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना हो आप मुझे अपनी डिटेल इस सीक्वेंस में डिटेल अपनी भेज देना, जो भी प्लान आप चूज़ करेंगे उसके साथ। ठीक है, और भेजनी कैसे, आप पे कैसे करेंगे उसका मैं बता देता हूँ। तो आपके पास 2 मोड है, या तो आप QR कोड स्कैन कर लो, किसी भी आपके ऐप से कर सकते हो, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, जो भी आप यूज़ करते हो स्कैन करके पे कर सकते हो, या फिर ये UPI आईडी है, तो ये आईडी डालोगे आप UPI आईडी सेक्शन में, वहाँ पे डाल के भी आप पे कर सकते हो। तो जो भी मोड आपको सूटेबल लगता है आप उसमें चूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, आप अपना प्लान चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है, तो जहाँ पर भी आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से अगर आप मुझे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम में यहाँ पे जाइए मेरे नाम पे क्लिक कीजिए, तो वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको जो भी मैसेज करना करो। ग्रुप में आप मैसेज कर दो, वो मैं बहुत कम रेयरली देख पाता हूँ, तो आप पर्सनल मैसेज करोगे तो मैं उसको देख लूँगा, रिप्लाई में थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है बट मैं कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप इस नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पर भी मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ, और मेल आईडी तो है ही। तो जो भी आप मोड यूज़ कर रहे हैं उस मोड में आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्मूथली हो सके। ठीक है, तो चलो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपना। तो हेडिंग देंगे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेस। ठीक है, तो मेन तो हमने गिल्स पढ़ लिया। ठीक है, तो गिल्स पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया बढ़िया से, तो वो देख लेना। अब यहाँ पर दूसरा है आपका एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक्सेसरी का मतलब क्या है, एडिशनल एक तरह से। ठीक है, तो मान लो कभी जो फिश है, जैसे मान लो, ठीक है, तो ये आपका जो वाटर में जिसमें रहती है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। तो अगर ऑक्सीजन की कमी है तो फिश, तो आपकी इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो ये मर जाए या फिर ये सर्वाइव करे। ठीक है, यही 2 ऑप्शन है इसके पास। तो अगर ये मर गई तो बात ही खत्म है, बट अगर ये सर्वाइव करना चाहती है तो सर्वाइव करने के लिए इसको अडेप्टेशन करनी पड़ेगी, और अडेप्टेशन करने के लिए अगर ऑक्सीजन में वाटर की कमी है और ये गिल्स के थ्रू अपना जो पूरा ऑक्सीजन है वो नहीं ले पा रही है, तो फिर क्या करेगी, अडेप्टेशन में ये अपने बॉडी अदर बॉडी पार्ट्स को यूज़ करेगी। क्या करेगी, अदर बॉडी पार्ट्स को यूज़ करेगी, और अदर बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके फिर ये ऑक्सीजन लेगी, चाहे हवा से ले, चाहे तो आपकी एयर ऑक्सीजन ले, चाहे तो वाटर से ले, जैसे भी ले, तो आपकी वो अडेप्टेशन करेगी और इस तरह से फिर ये आपका क्या करेगी, सर्वाइव कर जाएगी, है ना भाई। तो इसलिए हमारा एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिशेज में देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं फिशेज के पास। तो मैं क्या करूँगा आपको इस लेक्चर में, मैं आपको जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, उनके डायग्राम दिखा दूंगा आपको, ठीक है, डायग्राम दिखा दूंगा, देन उसके बाद मैं उसमें एग्जांपल्स दे दूंगा आपको कि कौन कौन सी, जैसे मतलब फिश है, जो फिश है वो कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ करती है, तो इस फिश का नाम क्या है, तो आपको यहाँ पे फिश का नाम है वही इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एक फिश आपका, जैसे मान लो एक रफ डायग्राम बनाया हमें ऐसे, ठीक है, एक रफली डायग्राम बनाया फिश में,
तो फिश में किस किस बॉडी पार्ट से वो अपना रेस्पिरेशन कर सकती है। तो एक तो गिल्स हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ये गिल्स हमने पढ़ा था। इसके अलावा मैं आपको दो चार चीज़ें और बताता हूँ कहाँ कहाँ से रेस्पिरेशन कर सकती है। आप खुद बताओ, अगर मान लो माउथ है तो ये मुँह है, तो यहाँ से कर सकती है, माउथ से कर सकती है, डायरेक्टली हवा में जाए और जो एयर है उसको गल्प करे और यहाँ से आपका डायरेक्ट एक्सचेंज। देखो जब भी आपका रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन होने के लिए आपको एक चीज़ तो दिमाग में अभी डाल लेनी है कि हाईली वेस्कुलराइज्ड टिश्यू होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। वेस्कुलराइज्ड टिश्यू मतलब ब्लड सप्लाई अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि डायरेक्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। तो जो भी हम बॉडी पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं वो रिचली आपके वेस्कुलराइज्ड होंगे, ठीक है, तभी आपका एक्सचेंज हो पाएगा। तो अब कौन कौन से पार्ट से हो सकता है, तो मैं वो कह रहा हूँ, तो एक तो माउथ से हो सकता है आपका, ठीक है। दूसरा आपका, अब ये गट है, ठीक है, तो इसका गट डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो गट की जो एपिथीलियम है उससे हो सकता है, गट एपिथीलियम, यही जो है मैं आपके वो बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्किन से कर सकती है, स्किन से कर सकती है, इंटेग्यूमेंट भी बोलते हैं उसको, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। आपको मैकेनिज्म में नहीं जाना है यहाँ पे, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं और दो दो पॉइंट उनके बारे में, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। मैकेनिज्म नहीं कि कैसे कर रही है, उसमें नहीं घुसना है, ठीक है, वो बहुत डिटेल हो जाएगा, उतना तो है भी नहीं, ये तो मेंशन भी नहीं है, तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका माउथ से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो फेरिंग्स आएगा, तो यहाँ पे आ गया था बक्को फेरेंजियल कैविटी, बक्को फेरेंजियल एपिथीलियम, ठीक है, इससे करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दे दूँगा, ठीक है। तो कितने हो गए आपका, एक तो माउथ, चलो माउथ को बक्को फेरेंजियल में डाल लो, तो एक तो आपका बक्को फेरेंजियल एपिथीलियम हो गया, ठीक है। दूसरा आपका ये हो गया, स्किन हो गया, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। तीसरा हो गया आपका गट एपिथीलियम, ठीक है। अब उसके बाद आपका हमारा आता है फेरिंग्स, तो अब यहाँ पे जो फेरिंग्स है आपके, जो ये फेरिंग्स वाला पार्ट है, अब इस फेरिंग्स में क्या होता है, डाइवर्टिकुला निकल जाता है। क्या निकलता है, डाइवर्टिकुला मतलब एक एडिशनल थोड़ा सा बल्जिंग पार्ट, तो जो फेरिंग्स है उसमें थोड़ा सा बल्ज होके यहीं पे आपका मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं फेरेंजियल डाइवर्टिकुला। क्या बोलते हैं, फेरेंजियल डाइवर्टिकुला, तो एक ही हो गया आपका। और फिर आपका है जो ब्रैंकियल चैम्बर है ना, वहाँ से भी एक डाइवर्टिकुला निकलता है, जो ब्रैंकियल चैम्बर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में, तो वहाँ से भी एक डाइवर्टिकुला निकलता है, तो उसको बोलते हैं ब्रैंकियल डाइवर्टिकुला, ठीक है। मतलब बेसिकली जो ब्रैंकियल जो गिल्स है, तो गिल चैम्बर जो है ना उसी में आउट ग्रोथ हो जाएगी ना, जैसे पाउच की तरह कुछ निकल आएगा, तो डाइवर्टिकुला का मतलब होता है थोड़ा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर, आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर फेरिंग्स में हो रही है तो फेरेंजियल डाइवर्टिकुला, तो यहाँ से भी कर सकता है। अगर आपका ब्रैंकियल चैम्बर में हो रही है, मतलब गिल चैम्बर में हो रही है, तो आपका ब्रैंकियल डाइवर्टिकुला, ठीक है भाई। अभी जो ब्रैंकियल डाइवर्टिकुला होता है तीन तरह के होते हैं, तो अभी तक कितने हो गए हमारे, एक तो आपका ये हो गया बक्को फेरेंजियल, दूसरा आपका हो गया स्किन, मतलब इन सब के बारे में मैं लिखाऊंगा, तीसरा हो गया आपका गट एपिथीलियम, चौथा होगा आपका फेरेंजियल डाइवर्टिकुला, और पांचवा हो गया आपका ब्रैंकियल डाइवर्टिकुला। तो ब्रैंकियल डाइवर्टिकुला में तीन तरह से आपका ये कर सकता है, जो ब्रैंकियल जो पाउच बनेगा, जो गिल चैम्बर से पाउच बनेगा, वो तीन तरह से हो सकता है। एक को बोलते हैं डेंड्राइटिक ऑर्गन, क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक ऑर्गन्स, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या होता है, मतलब बेसिकली एक हाईली वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन होते हैं जो क्लैरियस जैसी फिशेज में देखने को मिलते हैं, आएगी इसकी डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको, बताता हूँ। देन उसके बाद दूसरा होता है क्या, लेबिरिंथाइन, LABYRINTHINE लेबिरिंथाइन ऑर्गन, ठीक है। तो ये भी आपका कुछ फिशेज में देखने को मिलता है, जैसे एनाबाज होती है उसमें देखने को मिलता है, तो ये आपका ब्रैंकियल डाइवर्टिकुला, मतलब ब्रैंकियल जो गिल चैम्बर है उसी की आउटग्रोथ हो रही है, तो किसी में उसको हमने डेंड्राइटिक ऑर्गन बोल दिया, किसी में हमने उसको लेबिरिंथाइन ऑर्गन बोल दिया, और किसी में हम उसको एयर सैक बोलते हैं, एयर सैक या न्यूमेटिक सैक, न्यूमेटिक सैक, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो ये आपके कितने हो गए, पाँच हो गए। छठा एक और आप लिख लो, जो जैसे ब्लैडर होता है, तो एयर ब्लैडर जो होता है वो भी आपका हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो गया कि एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो एक एक लाइन इस पे लिखेंगे कि जो फिशेज होती है, जो वो गिल्स के मतलब गिल्स के अलावा जिस चीज़ों से सप्लीमेंट्री डेफिशिएंसी को कंप्लीट करती है अपनी ऑक्सीजन की, उस उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। कितने तरह के होते हैं, तो एक तो हमारा हो गया, मतलब कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, तो आप बक्को फेरेंजियल एपिथीलियम से कर सकते हो, स्किन से कर सकते हो, गट एपिथीलियम से कर सकते हो, फेरेंजियल डाइवर्टिकुला है, फेरिंग्स से पाउच निकलेगा, फिर ब्रैंकियल डाइवर्टिकुला है जिसमें तीन तरह के ये हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हम देखेंगे। एंड देन लास्ट में आपका एयर ब्लैडर है, इससे भी कर सकते हो। तो ये हमारा थोड़ा सा ये, अब मैं क्या करूँगा, सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखा दूंगा, एग्जाम्पल लिखा दूंगा, एक ही डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है, हो जाएगा। चलो तो एक एक करके लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका बक्को फेरेंजियल लेते हैं, बक्को
फेरेंजियल एपिथीलियम, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, फिर उसका एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर दो तीन पॉइंट उसके बारे में लिखेंगे और डायग्राम में आपको दिखाई दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल जो बैकोफेरेंजियल एपिथीलियम से आपका रेस्पिरेशन करते हैं उसमें एग्जाम्पल आपका एक तो पेरियोफ्थेल्मस है और एक आपका बेलियोफ्थेल्मस है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, पेरियोफ PRUPTPHTH पेरियोफ्थेल्मस और बेलियोफ्थेल्मस, ठीक है। तो पेरियोफ्थेल्मस और बेलियोफ्थेल्मस क्या होती है, इनकी जो बक्कोफेरेंजियल होती है बहुत ही मतलब मैंने बोला था ना कि वेस्कुलराइजेशन बहुत रिच होता है, तो उससे आपका डायरेक्टली ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। तो एक तो इसमें आपका ये हो गया बक्कोफेरेंजियल। अच्छा, एक एडिशनल पॉइंट और बता देता हूँ मैं कि इनकी जो टेल होती है, इनकी जो टेल होती है असल में क्या कहते हैं इसको, मड स्कीपर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मड स्कीपर इसका नाम है, ठीक है। तो ये क्या करती है, जब आपका मड से बाहर आती है, ठीक है, तो मड से बाहर आती है तो रेस्पिरेशन करने के लिए आपका बक्कोफेरेंजियल यूज़ करती है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जैसे मान लो ये आपका ये फिश है आपकी, ठीक है, तो इसके बाद टेल होती है, तो ये टेल को क्या करती है, ये आपका मड में रखती है, मतलब एक्वेटिक उसमें रखती है, और इससे भी आपका वो रेस्पिरेशन करती है, इससे भी आपका ऑक्सीजन लेती है और अपनी बॉडी को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये एडिशनल पॉइंट था कि टेल से भी करती है, मेन पॉइंट आपका बक्कोफेरेंजियल है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि मड स्कीपर्स पोजेस हाईली वेस्कुलराइज्ड बक्को फेरेंजियल एपिथीलियम, ठीक है। और ये भी लिख लो, एंड ऑल्सो अ रेस्पायरेटरी टेल, ठीक है। मेन तो आपका ये है, ये इसके पास होती है, तो ये भी लिख लिया मैंने। फिर एक पॉइंट और लिख लो कि जब ये बाहर आती हैं तो डायरेक्टली बक्कोफेरेंजियल की हेल्प से ऑक्सीजन ले लेती हैं और अपनी टेल को एक्वेटिक में रख के तो वहाँ से रेस्पिरेशन ले लेती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखना है लिख लो, तो चाहे तो मत लिखो। तो जैसे दे स्किप स्वैम्पी एरिया एंड ब्रीथ एयर बाय बक्कोफेरेंजियल एपिथीलियम, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, या फिर कीप देयर टेल इन वाटर फॉर एक्वेटिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बस, तो बक्कोफेरेंजियल हो गया कौन करता है, और एक लाइन हो गई कि क्या होता है, ठीक है। तो इसके डायग्राम में आपको, तो ये डायग्राम देखेंगे पेरियोफ्थेल्मस की, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका पानी से बाहर आई, टेल इसकी पानी में, ठीक है। तो वहाँ यहाँ से करेगी बक्कोफेरेंजियल की हेल्प से, और टेल की हेल्प से भी आपका रेस्पिरेशन कर सकती है। यहाँ पे भी देखो, इसमें भी टेल यहाँ है, ठीक है, और ये, और देखने में ऐसी होती है, ठीक है। सो दैट इज़ पेरियोफ्थेल्मस। इसकी डायग्राम मतलब बस दिमाग में रहनी चाहिए फोटो के, हाँ कैसी होती है। देन उसके बाद आपका बेलियोफ्थेल्मस, तो बेलियोफ्थेल्मस कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ठीक है भाई। तो डायग्राम आपने देख ली, अब दूसरा हम लिखते हैं स्किन, ठीक है, स्किन या इंटेग्यूमेंट, ठीक है। तो स्किन से रेस्पिरेशन कैसे करती है, तो इसमें आपका एग्जांपल है जो आपका एंगुला है, एंगुला जिसको हम ईल बोलते हैं, ठीक है। तो जो ईल होती है ये आपका रेस्पायर करती है थ्रू दी स्किन, ठीक है। गिल्स तो होती हैं इसके पास, लेकिन ये क्या करती है, ये माइग्रेटरी है। माइग्रेशन में हम पढ़ेंगे कि माइग्रेशन कैसे करती है। तो जब ये माइग्रेशन करती है अमेरिका से यूरोपियन रिवर की तरफ, तब उस टाइम पर ये क्या करती है, अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। तो स्किन से रेस्पिरेशन करती है, तो लगभग 60% जो एक्सचेंज होता है इसका गैसेस का, वो आपका स्किन के थ्रू करती है, ठीक है। तो बस ये दो पॉइंट लिख लो कि एग्जांपल लिख लिया हमने, तो दूसरा लिख लो कि दे ब्रीद थ्रू स्किन अपार्ट फ्रॉम गिल्स while migrating from American to European river, ठीक है। तो ये जो सरगासोसी पड़ता है बीच में, ये माइग्रेशन में आएगा डिटेल से कि कैसे माइग्रेट करती हूँ मैं बताऊँगा, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ एक्सचेंज अकर्स थ्रू दी हाईली वेस्कुलराइज्ड स्किन, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया स्किन से, ये एंगुला ईल, ठीक है।
तो ये इसकी पूरी जो स्किन होती है आपका इसी से रेस्पायर करती है, लगभग आपका 60% जो एक्सचेंज होता है वो इसकी स्किन से होता है। ठीक है, तो ये इसकी एक डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट है हमारा गट एपिथीलियम। गट एपिथीलियम, ठीक है। तो गट एपिथीलियम में आपका जैसे गट वाला पार्ट है तो उसमें आपका स्टमक से कर लेती हैं कुछ, स्टमक हो गया या इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, और कुछ एनस से भी कर लेती हैं। तो एनस से वाटर सक करेंगी और वहीं से रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन ले लेंगी उसमें से और उसी से कर लेंगी। ठीक है, तो एनस से जो करती है उसका एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख लेना, हाइपोस्टोमस, हाइपो स्टोमस या डोरास, तो ये आपकी एनस से करती हैं। और स्टमक और इंटेस्टाइन से जो करती हैं उसमें आपका है मिसगुर्नस, MISGURNUS, ठीक है। तो ये आपका रेस्पायर करती हैं यहाँ से। तो यहाँ पे बस एक पॉइंट ये लिख लो कि मिस गुडनेस रेस्पायर थ्रू द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड दे यूज दिस एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और एनएस वाले में आप लिख लेना कि दे सक द वाटर थ्रू एनएस, ये हाइपोस्टोमस और डोरास सक वाटर थ्रू द एनएस एंड एक्सचेंज गैस एंड गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद द रेक्टल लाइनिंग। ठीक है, तो एक्सचेंज कैसे होगा आपका विद द रेक्टल लाइनिंग, ठीक है, और यहाँ पर स्टमक लाइनिंग जो ये आपका इंटेस्टाइन है उससे, ठीक है भाई। तो हो गया गट एपिथीलियम। ये देख लेंगे गट एपिथीलियम के लिए, तो ये आपका हाइपोस्टोमस है ये वाली, और ये आपकी डोराज है, ठीक है। तो ये दोनों अपनी क्या करती हैं, ये जो हाइपोस्टोमस है ये मैंने आपको बता दिया और डोराज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया फिर आपका फेरेंजियल डाइवर्टिकुला, फेरेंजियल डाइवर्टिकुला, ठीक है, जो फेरिंग्स है जैसे आपका मान लो ये फिश है आपकी, ठीक है, तो जो फेरिंग्स है यहीं पे आपका एक फेरिंग्स में आउट ग्रोथ हो जाएगी छोटी सी, ठीक है, तो ये आउट ग्रोथ है आपकी उसको हम फेरेंजियल डाइवर्टिकुला बोलेंगे। तो ये आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन है आपके, कौन ऐसा शो करेगा, एक तो पेरियोफ्थैल्मस है जो हमने अभी पढ़ा है, पेरियोफ्थैल्मस बक्को फेरेंजियल है ना, तो फेरिंग्स वाला पार्ट भी ना। और एक एग्जाम्पल आप इसमें एम्फिनस लिख लो, AMPHIPNUS, एम्फिपनस, ठीक है। तो ये आपका इनमें क्या होता है, ये गिल्स जो होता है ना, गिल्स का जो डेवलपमेंट होता है, गिल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही पुअर होता है, ठीक है। तो फिर ये फेरेंजियल डायवर्टिकुला की हेल्प से रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। तो इसमें लिख लो कि फेरेंजियल डायवर्टिकुला क्या होता है, इट इज़ अ सैक लाइक आउटग्रोथ ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। तो सैक लाइक ग्रोथ है किसकी, फेरिंग्स की है, विच इज लाइंड बाय द वेस्कुलराइज्ड एपिथीलियम, ठीक है। तो ये आपका वेस्कुलराइज्ड एपिथीलियम से लाइंड होता है, और वो मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ भी आपका रेस्पिरेशन होगा वहाँ पे रिच सप्लाई होगी ब्लड की, ठीक है। तो ये आपका फेरेंजियल डायवर्टिकुला, ये आपका एम्फिपनस है, ठीक है। तो एम्फिपनस आपका एयर सैक जो बना रही है, सो दैट इज नथिंग बट फेरेंजियल डायवर्टिकुला, ठीक है। तो फेरेंजियल डायवर्टिकुला जो फेरिंग्स में आपका एक्सटेंशन हो रहा है दैट इज फेरेंजियल डायवर्टिकुला। तो ये आपका एम्फिपनस जो है ये आपका फेरेंजियल डायवर्टिकुला में भी मिलेगी और उसका ब्रेंकियल डायवर्टिकुला में भी मिलेगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बना सकते हैं, ये डायग्राम आप बना सकते हैं कॉपी में। अब नेक्स्ट है आपका ब्रेंकियल डायवर्टिकुला, तो ब्रेंकियल डायवर्टिकुला अगले पेज पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो देन आपका ब्रेंकियल डायवर्टिकुला, ब्रेंकियल डायवर्टिकुला, तो अब ब्रेंकियल चैम्बर जो है, जो आपका गिल चैम्बर जो है उसकी आउट ग्रोथ हो रही है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज आउट ग्रोथ फ्रॉम गिल चैम्बर, ठीक है। तो ये मैंने तीन तरह से आपको बताई थी, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेंड्राइटिक ऑर्गन्स, डेंड्राइटिक ऑर्गन्स, ठीक है। तो डेंड्राइटिक ऑर्गन किसमें देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्लेरियस, CLARIAS, ठीक है। तो इन फिशेज में क्या होता है, जैसे मैं आपकी एक छोटी सी रफ डायग्राम बना दूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका गिल चैम्बर है मान लो, तो गिल चैम्बर जो है इसमें यहाँ पर जो गिल आर्चीज होती हैं, जैसे आपकी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर ऐसे गिल आर्चीज होती हैं, तो इसकी जो सेकेंड गिल आर्च होती है, सेकेंड और फोर्थ गिल आर्चीज जो होती हैं उससे बहुत ही वेस्कुलराइज ट्री लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे पूरे में ऐसे भर जाता है, मतलब जो ब्रैंकियल चैम्बर है उसके ऊपर, तो सुपरा ब्रैंकियल चैम्बर वाले पार्ट में यहाँ से भर जाता है। तो हम इसको बोलते हैं अर्बो क्रीसेंट ऑर्गन, अर्बो क्रीसेंट ऑर्गन या
डेंड्राइटिक ऑर्गन, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज डेंड्राइटिक ऑर्गन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्बोक्रिसेंट एंगल, विच इज अ हाईली वेस्कुलराइज्ड ट्री लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड एंड फोर्थ गिल, एंड इट इज लोकेटेड इन द सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर, जो ब्रैंकियल चैम्बर है उसके ऊपर, मतलब अबव द गिल्स, ठीक है, तो वहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो बस ये दो लाइन लिख लेते हैं कि डेंड्राइटिक ऑर्गन या अर्बोक्रिसेंट, यहाँ पे अर्बोक्रिसेंट भी लिख लेना, कि दीज आर हाईली वेस्कुलराइज्ड ट्री लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड एंड फोर्थ गिल आर्च, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा ये है कि दीज आर लोकेटेड इन सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर, ठीक है। तो सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर क्या होता है, अबव और पोस्टीरियर टू द गिल चैम्बर, ठीक है। तो गिल चैम्बर के जो पोस्टीरियर होता है वो हमारा है, ठीक है भाई। तो ये आपका क्लैरिस में कुछ ऐसे देखने को मिलता है। तो इसमें कैसा होता है, जैसे एयर है तो एयर को इसने गल्प किया, गल्प करके फिर वो माउथ में गई, माउथ से होते हुए आपका फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से होता हुआ आपकी एयर चैम्बर में गई, जो एयर चैम्बर है आपका वहाँ गई, फिर उसके बाद आपका ये डेंड्राइटिक ऑर्गन में जाएगी, और डेंड्राइटिक ऑर्गन के बाद आपका गिल स्लिट्स से होके जो CO2 होगी वो आपकी बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से शॉर्ट में, तो इसके डिजिटल डायग्राम भी देख लो आप, ये डायग्राम देखेंगे आप क्लैरियस की, ठीक है। तो डेंड्राइटिक ऑर्गन जो है इसमें, ये आप देख रहे हो यहाँ पे अर्बोक्रिसेंट ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपके गिल आर्च है, ठीक है, ये गिल आर्च है, तो सेकंड और फोर्थ गिल आर्च से, ये फर्स्ट गिल आर्च है तो ये नीचे इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ वाली आर्च से ये आपकी निकली हुई है नीचे से, और ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रही हो, देख रहे हो, बहुत ही वेस्कुलराइज होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो इसकी हेल्प से आपका करता है। तो ये डायग्राम आप बना लेना कि ये आपका एक कैविटी की वॉल दिखा देना ऐसे, कैविटी वॉल, ठीक है, मतलब कट करके वॉल दिखाया, और फिर सुप्रा ब्रैंकियल कैविटी मतलब जो आपका गिल्स है, गिल्स के ऊपर और पोस्टीरियर वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम बना लेना आप, ठीक है। तो इसी में डेंड्राइटिक के बाद दूसरा आपका लैबरिंथाइन, LABYRINTHINE, लैबरिंथाइन ऑर्गन, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये भी आपका ब्रैंकियल एपिथीलियम से डेवलप हुआ है ना, और इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर तो आपका ट्री लाइक अपीयरेंस है, तो इस वाले केस में जो लैबरिंथाइन ऑर्गन है, तो इसमें फिश के अंदर क्या होता है, जैसे आपका गिल चैम्बर है, ठीक है, तो यहीं पर आपकी रोज लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है, रोजेट लाइक अपीयरेंस, कंसेंट्रिक प्लेट्स बन जाती हैं आपकी यहाँ पे, है ना, ऐसे कंसेंट्रिक प्लेट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये भी सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर में ही होता है, तो इससे भी आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन होने में हेल्प होती है, ठीक है, वही है, एयर को गल्प करेगी, ठीक है, माउथ में जाएगी वो, माउथ के बाद आपका फेरिंग्स, एयर चैम्बर, यहाँ पर डेंड्राइटिक ऑर्गन की जगह ये वाले प्रेजेंट होंगे, लैबरिंथाइन ऑर्गन, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिलता है, एग्जांपल इसमें क्या है, तो जो पर्च होती है उसमें देखने को मिलता है, एनाबस जो होती है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, और आपका पॉलीकैंथस होती है उसमें देखने को मिलता है, पॉलीकैंथस, ठीक है। तो ये सब जो है उनमें देखने को मिलता है। चलो, तो दो लाइन में लिख लेंगे कि दीज आर रोजेट लाइक कंसेंट्रिक प्लेट्स ऑफ टिश्यू, ठीक है, एंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन द सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर, ठीक है भाई। तो जब क्या होता है, ये जो पर्च होती है, जब ये माइग्रेट करती है, जैसे मान लो इस पॉइंट से इसको दूसरे किसी पॉइंट में जाना है, तो जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है, तो उस टाइम पे ये पानी में तो है नहीं, है ना, तो ये ज़मीन पे जब जाएगी आपका, तो क्या करेगी, एयर को गल्प करेगी, और फिर डेंड्राइटिक ऑर्गन की मदद से आपका ये रेस्पिरेशन करेगी, और फिर अपना सर्वाइव करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लेना चाहो तो आप, कि पर्च कैन माइग्रेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय ब्रीदिंग एयर थ्रू दीज लैबरिंथाइन ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया, दिस इज एनाबस, ठीक है। तो एनाबस, इसको हम क्लाइंबिंग पर्च भी बोलते हैं, तो शायद मैंने पीछे अलग अलग लिख दिया, पर्च और एनाबस, तो एक ही है वो, पर्च और एनाबस, ठीक है। तो इसमें देखो, ये लैबरिंथाइन ऑर्गन है, तो ये ही आपका सुप्रा ब्रैंकियल कैविटी है, मैंने इसको काट के दिखाया ऐसे, तो सुप्रा ब्रैंकियल कैविटी में आप देखोगे ऐसे ये कंसेंट्रिक प्लेट्स बनी हुई है, तो रोज लाइक अपीयरेंस देती है ये, ठीक है। तो ये आपका लैबरिंथाइन ऑर्गन है, तो ये आपका हेल्प करता है ब्रीदिंग एयर, रेस्पिरेशन में, ओके। तो ये एक डायग्राम बना लेना आप। चलो नेक्स्ट बता देता हूँ, न्यूमेटिक सैक, ठीक है। तो तीसरा इसमें आपका न्यूमेटिक सैक,
न्यूमेटिक सैक या एयर सैक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्यूब लाइक ग्रोथ होती है, ये आपका देखने को मिलता है। एग्जांपल इसमें लिख लो आपका हिट्रोपन्यूस्टिस, HETEROPNEUSTES, ठीक है। तो इसमें देखने को मिलता है, तो इसमें क्या होता है फिश आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो गिल्स है आपके, जैसे यहाँ पे गिल्स है, तो गिल्स से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे आउट ग्रोथ होगी, ठीक है। और जब ये पानी से बाहर होंगी तो यही जो आपका ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यही आपका इसका एयर एक्सचेंज में हेल्प करेगा और इसी की वजह से सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। तो लिख लो कि दीज हैव या हैज अ पेयर ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर एंड डोर्सली सिचुएटेड एयर सैक्स, ठीक है। और कहाँ से अराइज होंगे, गिल से अराइज होंगे। सो दीज आर अराइजिंग पोस्टीरियरली फ्रॉम गिल्स, ठीक है, गिल चैम्बर, ठीक है, विच आर हाईली वेस्कुलराइज, है ना। तो वो तो सारी पार्ट है। तो एक पॉइंट ये लिख लेना कि फिशेज कैन सर्वाइव आउट ऑफ वाटर फॉर कंसिडरेबल टाइम यूजिंग दीज ऑर्गन्स फॉर एयर ब्रीथिंग, ठीक है। तो ये न्यूमेटिक सैक हो गया, इसकी भी डायग्राम देख लो। ये एग्जांपल आपका हिट्रोपन्यूस्टिस का, ठीक है। तो इसमें देखो, ये आपका जो गिल चैम्बर है, ये गिल चैम्बर को हमने देखा, तो इसमें एक देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। तो ये ट्यूबुलर एयर सैक है, ठीक है। एक तो नॉर्मल एयर सैक उसमें देखा आपने एम्फिपनस में, और दूसरा आप देख रहे हो यहाँ पे ट्यूबुलर जो आपका है हिट्रोपन्यूस्टिस में, ठीक है। तो ये आप बना लेना, और इससे यही आपका हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ये थोड़ा एक्सटेंड होता है टेल तक भी ज़्यादा कभी कभी। तो ये इनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जब पानी से बाहर होती हैं, तो यही आप इनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। तो एक डायग्राम ये बना लेना, ठीक है। तो लास्ट और देख लेते हैं, सिक्स्थ वाला। ये तो छः पाँच उसके हो गए आपके ब्रैंकियल डाइवर्टिकुला के, मतलब तीन उसके हो गए ब्रैंकियल डाइवर्टिकुला के, और ब्रैंकियल डाइवर्टिकुला अपने आप में पाँचवा था। तो छठा आपका है आपका एयर ब्लैडर, ठीक है, एयर ब्लैडर। तो एयर ब्लैडर की अगर हम बात करें तो देखने को इसमें मिलता है एग्जाम्पल इसका, जो आपने डिप्नोन देखे होंगे ना, डिप्नोन, ठीक है। तो डिप्नोन जो होती हैं, इनको हम लंग फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लंग फिश, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, पानी से बाहर आती हैं और फिर हवा में आपकी एयर को इनहेल करती हैं, देन उसके बाद आपका एयर ब्लैडर की हेल्प से रेस्पायर करती हैं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट ये लिख लो आपके, दे हैव एयर ब्लैडर विच एक्ट्स एज लंग्स टू ब्रीथ एयर, ठीक है भाई। और जो ब्लैडर वॉल होती है, जो एयर जो ब्लैडर है आपका, जो आपका इसका ब्लैडर होता है, इस ब्लैडर वॉल में आपका बहुत ही वैस्कुलर होती है और इसमें एल्वियोलाई होती है, सैक्यूलेटेड होती है एल्वियोलाई के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख लेना कि ब्लैडर वॉल इज हाईली वैस्कुलर एंड सैक्यूलेटेड विद एल्वियोलाई, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया। तो ये कुछ मैंने आपको दिखा दिया, जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिशेज में, वो कैसे हुए, क्या क्या हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या रखना है, नाम याद रखने, एक डायग्राम बनानी है छोटी सी, ठीक है, और उसमें एग्जांपल लिखने हैं। बाकी दो पॉइंट तो सब में, एक पॉइंट तो सब में कॉमन है कि हाईली वेस्कुलराइज होती है, तभी तो आपका रेस्पिरेशन होगा, तभी तो गैसेज का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका हमारा एक्सेसरी पार्ट वाला भी फिनिश हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।